जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रमोशन के आधार पर आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए। आपने काफ़ी फर्स्ट चॉइस के बारे में सुना होगा कि फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए। मैंने भी वीडियो बनाया स्पेशली फर्स्ट चॉइस पर कि आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए, लेकिन प्रमोशन के आधार पर नहीं बनाया कि कौन से पोस्ट में जल्दी प्रमोशन होता है, कौन से बच्चे को कौन सी पोस्ट चूज़ करनी चाहिए ताकि उसकी एजुकेशन काम में आ सके। दोस्तों सभी जितने भी फोर्सेज हैं सभी अपने आप में बढ़िया है, हर एक फोर्स का अपना नाम है, अपना काम है, ठीक है। लेकिन आपके लिए कौन सी बेटर है, इसके लिए ये प्रमोशन के आधार पे काफ़ी बच्चों की डिमांड रही थी कि सर जैसे किसी की ग्रेजुएशन हो गई है, किसी की बीएड चल रही है, किसी की ट्वेल्थ हो गई है, तो वो चाहते हैं कि डिपार्टमेंट में एज ए कॉन्स्टेबल आए, एक दिन डीएसपी भी बन जाए, एसआई भी बन जाए, तो किस डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम ज़्यादा होते हैं, किस डिपार्टमेंट में कम होते हैं, डिपार्टमेंटली प्रमोशन लेने के कौन से फोर्सेज में सबसे ज़्यादा अवसर बनते हैं, कौन से फोर्स में कम बनते हैं, तो इसके आधार पर ये पूरा का पूरा वीडियो ताकि आप देख लीजिए, उसी हिसाब से अपनी फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट करें। दोस्तों आपके लिए फर्स्ट चॉइस बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए कि अगर आपने फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट की, आपको वही मिल गई, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जीवन भर आपको संतुष्टि रहेगी और आपने जो फोर्स सेलेक्ट की उसमें आपको काम करने का मजा आएगा, क्योंकि आपका वो कहीं ना कहीं ख्वाब भी है, ठीक है। लेकिन आपने फर्स्ट चॉइस कोई भी सेलेक्ट कर दी, आपको कोई भी फोर्स मिल गई, फिर बाद में पता चला इस फोर्स में तो मतलब डिपार्टमेंटली एग्जाम बहुत लेट होते हैं, या प्रमोशन 20 साल बाद में होता है, या 25 साल बाद में होता है, या 15 साल बाद में होता है, तो इसके बजाय तो मेरे को वो फोर्स लेनी थी, कम से कम मैं डिपार्टमेंटली एग्जाम तो दे पाता। तो इसीलिए प्रमोशन के आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर कोई हमको बुक बताइए ऑल इन वन एसएससी जीडी के लिए गाइड बुक है। दोस्तों एग्ज़ाम कार्ड की बहुत ही अच्छी बुक है, आप अगर देखोगे इसमें तो मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं, साथ में रीजनिंग भी दी हुई है, जीके भी है, मैथ भी है और हिंदी भी दी हुई है, यानी ऑल इन वन बुक है, यानी एक ही बुक से आपका पूरा काम हो सकता है। बहुत ही अच्छी गाइड है, मैंने पूरी को इसको रिव्यू किया है, पढ़ा हूँ, खुद को देखा हूँ किस प्रकार का इसमें मैटर दिया, एसएससी जीडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें बहुत ही अच्छा मैटर है। अगर आपने नहीं खरीदी है एग्जाम कार्ड की बुक है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रहा हूं, तो अगर आपने नहीं परचेज किया तो कर लीजिए। एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छी मदद करेगी ये बुक, ये मैंने खुद ने पूरी को पढ़ के देखा है, बहुत ही अच्छा मैटर दिया हुआ है, एसएससी जीडी के लेवल का दिया हुआ है। दोस्तों अब बात करें प्रमोशन के आधार पे, दोस्तों वैसे तो आप सभी को जैसे फर्स्ट चॉइस ज़्यादातर लोगों ने बताई है, जैसे मैंने भी हर एक में बताई है कि दोस्तों आप ज़्यादा नंबर लाइए, एनआईए एसएसएफ में जाइए, ठीक है, उसके बाद में सीआईएसएफ एसएसबी सीआरपीएफ बीएसएफ आईटी बीपीएस सम रायफल, ठीक है। इस प्रकार से जैसे मैंने भी वीडियो बनाई, लड़कियों के लिए भी विशेष स्पेशल वीडियो बनाई कि लड़कियों की फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए, लेकिन आज के इस वीडियो में ओनली प्रमोशन के आधार पर आपको तीन फर्स्ट चॉइस बताने वाला हूँ, उनमें से आपकी कोई भी फर्स्ट चॉइस हो सकती है, ठीक है। दोस्तों वैसे एक चीज़ मैं बता दूं, अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन कईयों में ज़्यादा होते हैं, कईयों में कुछ कम होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ कम होती है कईयों की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो उसमें डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देने का आपको मौका ज़्यादा मिल जाता है। आपको संख्या से मतलब नहीं, आपको खुद के टैलेंट पर विश्वास होना चाहिए, खुद की मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, आपको ज़्यादा नंबरों की वैकेंसी चाहिए ताकि आप आसानी से लग सको, अगर आपने मेहनत करने का दम है तो, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी कॉन्स्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं दिल है कि मैं आगे जीवन में आगे बढ़ूं, मैंने इतनी मेहनत की और ज़्यादा मेहनत करूं, तो इसीलिए प्रमोशन के आधार पे ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ थर्ड चॉइस पर कि आपकी थर्ड चॉइस कौन सी होनी चाहिए, या फर्स्ट चॉइस अगर आप प्रमोशन के आधार पर क्यों बना रहा हूं? अगर कोई बच्चा 10th क्लास पास है तो दोस्तों उनके लिए एसएसएफ और एनआईए फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। क्यों? अगर वो 10th क्लास पास है या 12th क्लास पास है, या उसको लगता है कि मेरे से तो यही होगा, डिपार्टमेंटली मैं एग्ज़ाम दे सकता हूं, तो इनकी कोशिश करें, तो अभी वो दबा के मेहनत करें ताकि इनमें से किसी का नंबर पकड़ ले, ताकि क्योंकि एनआईए की जॉब भी अच्छी है और एसएसएफ की जॉब भी अच्छी है, ठीक है। 10th क्लास पास के लिए अगर वो उसमें लगता तो बहुत ही अच्छी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऐसा सब में लगता तो बहुत ही अच्छी जॉब है। दोस्तों अब अगर बात करें कोई बच्चा 12th क्लास पास है तो उसको डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, अगर किसी को टाइपिंग आती है तो होम मिनिस्ट्री स्टाफ में जा सकता है डिपार्टमेंटली, किसी को ड्राइविंग आती है वो ड्राइविंग में भी जा सकता है और एसआई का एग्ज़ाम भी दे सकता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सबसे पहले हम बात करें, अगर आपके थर्ड चॉइस पर अगर आप किसी फोर्स को लेते हो तो सीआईएसएफ प्रमोशन के हिसाब से, अभी प्रेजेंट टाइम में सीआईएसएफ में डिपार्टमेंटली जो बिना किसी एग्ज़ाम के प्रमोशन होता है वो होता है 17 से 18 साल, ठीक है, 18 साल का समय लग जाता है लगभग या उससे ज़्यादा ही, 18 साल से ज़्यादा ही समय लग जाता है एक कॉन्स्टेबल को हवलदार बनने में, यानी हेड कॉन्स्टेबल बनने में। लेकिन डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम सीआईएसएफ में काफ़ी होते हैं, एएसआई पोस्ट के लिए, एसआई पोस्ट के लिए, यानी काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं, और एससीएम
यानी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्री के लिए और ऐसी हेड कॉन्स्टेबल के लिए भी काफ़ी अच्छे अवसर मिल जाते हैं। आप सभी को पता है स्ट्रेंथ वाइज भी CISF और ड्यूटी वाइज भी काफ़ी अच्छी फोर्सेस है, तो आप CISF को अपनी फाइट चॉइस दे सकते हो। इसमें आपको डिपार्टमेंटली प्रमोशन थोड़ा लेट से मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम फाइट करके आप प्रमोशन इसमें ले सकते हो और काफ़ी अच्छे अवसर आपको इसमें मिलते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में भी CISF में एक डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम आया हुआ है जिसमें मिनिमम 5 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, यानी 1 साल ट्रेनिंग, 4 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए। तो SI पोस्ट के लिए थी, हेड कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए थी और ASI पोस्ट के लिए थी। इन तीन पोस्ट के लिए डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम था। दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि उनको लगता है डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम के लिए भी सेम एज रहता, सेम एज नहीं रहता। डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम के लिए एज में छूट दी जाती है 5 साल तक की, ठीक है। जो क्राइटेरिया रहता है CPO का, उससे 5 साल ज़्यादा छूट मिलती है, तो मतलब डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम आप सभी को देने का मौका अवसर ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों, अगर आप 4 साल की सर्विस करने के बाद भी देते हो, ठीक है। उसके बाद में बात करें सेकेंड नंबर आपकी, अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम हुआ तो वो है BSF। BSF की स्ट्रेंथ आप सभी को पता है 2.5 लाख के समथिंग अभी प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेंथ है, और BSF में भी डिपार्टमेंटली काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं, रेडियो ऑपरेटर के, SCM के, अगर किसी के टेक्निकल है, मान लो साइंस में है तो वो रेडियो ऑपरेटर बन सकता है 2 साल बाद ही। हर साल रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आती है BSF में, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर की काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है BSF में, यानी हर साल लगभग आती है। तो 2 साल बाद में, यानी 1 साल आपका ट्रेनिंग का और 2 साल सर्विस के बाद में, यानी 3rd साल में आप रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम दे सकते हो और रेडियो ऑपरेटर में जा सकते हो हौलदार पोस्ट पर, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी अवसर मिल जाते हैं। अब अगर ऐसे पूछो तो कम से कम उसमें भी 17 से 18 साल लग जाता है एक कॉन्स्टेबल से SCGD हौलदार मिलने के लिए, ठीक है, हेड कॉन्स्टेबल बनने के लिए 17 से 18 साल। लेकिन डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम देने दे के आप काफ़ी अच्छे और बहुत जल्दी प्रमोशन पा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, उसके लिए जिस बच्चे की जैसे 12th क्लास पास है, ग्रेजुएशन पास है, तो वो दे सकता है बिल्कुल BSF में। आपको डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देखने को अच्छे मिलेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी बड़ी है और डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम भी होते हैं BSF में, RO का भी होता है, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी होता है, SI का भी होता है, ठीक है। तो काफ़ी, और SI से आप DSP भी जा सकते हो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो जिन बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट है या जिनको लगता है कि वो कॉन्स्टेबल से जा रहे हैं लेकिन आगे जाके उनको SI बनना है, वो मेहनत कर लेंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है। आपको अभी से अलग चीज़ फील हो रहा होगा कि मैं जाके डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देने के लिए बहुत मेहनत करूँगा, लेकिन जब डिपार्टमेंट में आप ड्यूटी के साथ में मेहनत करोगे ना, बहुत पसीना आता है, ठीक है, क्योंकि ड्यूटी भी बहुत रहती है और फिर उसके साथ में तैयारी करने के लिए जज्बा चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, बाकी कर सकता अगर हिम्मत है तो, ठीक है। तो फिर BSF, अब अगर बात करें फर्स्ट नंबर पे प्रमोशन के हिसाब से अगर आप चाहते हो तो वेराइटी के हिसाब से भी CRPF आपकी फर्स्ट चॉइस हो सकती है, अगर आप चाहो डिपार्टमेंटली जल्दी प्रमोशन लेने के लिए, अगर आप में हिम्मत है पढ़ने की, मेहनत करने की। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, CRPF सबसे बड़ी लार्जेस्ट फोर्स है विश्व की, यानी 3 लाख से भी ऊपर फोर्स है ये। इसमें आपको डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देने के बहुत मौके मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि कोई ना कोई डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम डेप्यूटेशन आई हुई रहती है। एक तो आप इसमें से VIP बटालियन में जा सकते हो, कोबरा में जा सकते हो, RAF में जा सकते हो, VIP प्रोटेक्शन में जा सकते हो, बहुत सारी ऐसी ड्यूटियाँ हैं जिनमें आपको पढ़ने के लिए टाइम भी, जैसे VIP अगर प्रोटेक्शन में जाते हैं तो उसमें आपको पढ़ने का टाइम भी अच्छा मिल जाता है, तो वैसी ड्यूटियाँ करके आप पढ़ाई कर सकते हो निरंतर। दूसरे, क्योंकि आपके पास में काफ़ी वेरायटी है और जाने के आपको काफ़ी अवसर मिलते हैं क्योंकि बड़ी फोर्स है तो डिमांड आती रहती है, आप बिल्कुल जा सकते हो अगर आपकी स्वेच्छा है तो। इसके बाद में आप प्रमोशन लेने के लिए इसमें डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम काफ़ी होते हैं और अच्छे नंबर के, RO का हर साल होता है, रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम हर साल होता है इस फोर्स में, यानी जिन भी बच्चों के 12th में साइंस मैथ है वो बिल्कुल एज कॉन्स्टेबल ज्वाइन करके डिपार्टमेंटली RO बन सकते हैं। इसके बाद में NCM की वैकेंसी भी हर 2-3 साल बाद में आती है, हाँ साल हर साल तो नहीं आती लेकिन हर 2-3 साल बाद में NCM यानी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी आप जा सकते हो CRPF, वो भी डिपार्टमेंटली काफ़ी अच्छी वैकेंसी आती है। हेड कॉन्स्टेबल की भी आती है हर 3rd से 4th साल, हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी भी आती है डिपार्टमेंटली और SI की वैकेंसी भी डिपार्टमेंटली आती है। उसके लिए आपको 4 साल की आपकी सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब 1 साल ट्रेनिंग का, 3 साल मेन सर्विस के आपके बटालियन में कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप डिपार्टमेंटली इन एग्ज़ाम को दे सकते हैं। CRPF में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जो कॉन्स्टेबल से भर्ती होकर आज DSP है, यानी जिन बच्चों में दम है, जिनको लगता है कि वो पढ़ाई करके मेहनत करके अपना नाम कर सकते हैं, तो वो एज कॉन्स्टेबल CRPF में भर्ती होकर अपनी मेहनत करके आज DSP बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो SI से भी DSP बने हैं और कॉन्स्टेबल से भी DSP इंस्पेक्टर बन के अभी सर्विस कर रहे हैं। CRPF में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे क्योंकि डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम जिस इसमें होता है तो काफ़ी बड़े आंकड़े पे होता है, ठीक है, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो बाकी फोर्सेस की बजाय इसमें डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देने के आपको ज़्यादा अवसर मिलते हैं और जल्दी प्रमोशन हो जाता है। लेकिन अगर आप वैसे 10th क्लास पास और कोई एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपको 18-19 साल लग जाएंगे किससे, CTGD से NCGD बनने में।
हेड को स्टेबल होने में। तो दोस्तों प्रमोशन के आधार पर अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत में दम है तो इन तीन फोर्स में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। इनमें डिपार्टमेंटली एग्जाम देके आप कॉन्स्टेबल से डीएसपी तक बन सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन डायरेक्ट आप कॉन्स्टेबल से डीएसपी नहीं दे सकते हो, कॉन्स्टेबल से एसआई, एसआई से डीएसपी, इस रूल से आप दे सकते हो। इसके लिए बीच में भी कुछ ईयर का गैप होता है उस हिसाब से। लेकिन आप में अगर दम है पढ़ने की, आप में हिम्मत है और आपका अपना पहला कदम मानते हो एसएससी जीडी कांस्टेबल को, तो आप इन फोर्स में से अपनी फर्स्ट चॉइस दे सकते हो। दोस्तों जय हिंद जय भारत।